फ्रेंड्स, कोडकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा टेबल मैट बनाने का तरीका, और उसको घर पर ही कैसे आप लैमिनेट कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, ताकि आपका मैट जो है वो एकदम वाटरप्रूफ हो जाए। इस मैट को आप डाइनिंग टेबल के मैट्स भी बना सकते हैं और सेंटर टेबल के भी बना सकते हैं, और इनको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटरप्रूफ टेबल मैट बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके की मिरर वाली कोई लेस, इस तरीके की फ्लावर वाली गोल्डन कलर की लेस। आप इससे मिलती जुलती भी ले सकते हैं, ये गोटा पट्टी वाली लेस है, और ये भी सिल्वर गोल्डन कलर की एक खूबसूरत सी लेस मैंने ले रखी है। फैब्रिक ग्लू, रानी कलर की और गोल्डन कलर की बॉल चेन। उसके अलावा लिया है मैंने ब्लू कलर का वेलवेट का कपड़ा, और ब्लू कलर का ही नेट, सीज़र और बुकरम का पीस। सबसे पहले हम बुकरम को रेक्टेंगुलर पीस में कट कर लेंगे। जितना बड़ा आपको साइज़ रखना है अपने मैट का, उसके अकॉर्डिंग आप इस बुकरम के पीस को कट कर लीजिए। कट करने के बाद अब हमें जो हमारा ये वेलवेट का कपड़ा है, इसको जितना हमारा बुकरम है उससे एक एक इंच हमें एक्स्ट्रा कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको अब हम ग्लूगन लेंगे, और ग्लूगन को गर्म करके उसकी हेल्प से हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से हमें इसको चिपका देना है। ये हमारा एक तरफ से पूरा का पूरा वेलवेट का कपड़ा हमने इस पर चिपका दिया। पीछे की साइड अब हम इसको ये जो हमारा बुकरम है ये ना दिखाई दे, इसके लिए हम पीछे की साइड इस पर ब्लू कलर की जो हमने नेट ली है वो यहाँ पर हम चिपका देंगे। अगर आप नेट नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर आप कोई कॉटन का कपड़ा भी चिपका सकते हैं सेम कलर का। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये ब्लू कलर की नेट चिपका दी है। ये हमारा टेबल मैट का बेस तैयार हो गया है। अब बेस तैयार करने के बाद अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। अब जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें डिज़ाइन क्रिएट करना है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने सिल्वर गोल्डन कलर की जो लेस ली थी उसकी मैंने इस तरीके से कटिंग्स कर ली हैं, तो ये ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास मिल गए हैं। ये जो हमारे पास मिरर वाली लेस थी इसमें इस तरीके से कटिंग की है, और ये हमारे पास छोटे छोटे गोल गोल मिरर्स इस तरीके से मिल गए हैं। अगर हम ये मोटिव्स अलग अलग लेते हैं मार्केट में तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन अगर हम लेस ख़रीदते हैं और उसके अंदर से इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं तो ये काफ़ी रीज़नेबल रेट पर हमें पड़ जाता है। इसलिए हम और अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन भी अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं कोई भी पैटर्न। अब देखिए, जैसे ये ट्रायंगुलर जो हमारी लेस हमने कट की है, इसको मैं इस तरीके से दोनों को इस तरीके से चिपका के, ये देखिए बर्फ़ी के शेप का एक हमारा पैटर्न यहाँ पर बन गया, और उसके बीचों बीच हमने ये एक मिरर लगा दिया। इस तरीके से हमने चारों कॉर्नर्स पर ये लगा लेना है। इस टेबल मैट को डिज़ाइन में कितना हैवी या कितना लाइट रखना है वो भी आप पर डिपेंड करता है। आप इसको थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं। ये देखिए, बीच में भी हमने ये ट्रायंगुलर पीसेज जो हैं वो कट करके रख लिए हैं, और ये जो हमने अब साइड में जो ये बर्फ़ी की शेप में पैटर्न बनाया है, इसके चारों तरफ इसको फिनिशिंग देने के लिए हम ये गोटा पट्टी की लेस को यूज़ कर रहे हैं, और इससे हम इसके चारों तरफ चिपका देंगे। ये क्योंकि गोटा पट्टी की लेस है, फैब्रिक लेस है, तो ये बहुत ईजीली मुड़ जाती है, और इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आ जाती है। इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, चारों कॉर्नर्स पे हमें ये लेस को चिपका लेना है। डिज़ाइन पूरा टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। आप सेंटर में बनाना चाहते हैं कोई डिज़ाइन, या केवल बॉर्डर बनाना चाहते हैं, उस तरीके से भी आप अपना डिज़ाइन को पहले माइंड में सोच लीजिए, फिर उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करिए। ये देखिए, ये बीच में अब ये जो हमारी ट्रायंगुलर पीसेस कटे हुए हैं, इनसे इस तरीके से तीन पत्ती का एक फ्लावर जैसा लुक का पैटर्न हमने बना दिया। उसके बाद इसके भी चारों तरफ हम यही गोटा पट्टी वाली लेस को इस तरीके से लगा देंगे, तो ये हमारा पूरा एक फ्लावर का लुक आ जाएगा इस तरीके से। क्योंकि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट बॉल चेन लगाएंगे तो वो काफ़ी बारीक होती हैं, वो एकदम से दिखाई नहीं देंगी। ये काफ़ी बोल्ड भी लग रहा है गोटा पट्टी की लेस, और इससे हमारा ये फ्लावर एकदम उभरा हुआ लगेगा। देखिए, इस तरीके से हमने इसको फ्लावर को पूरा बना दिया है, और इसके बीच में हम फिर से एक ये मिरर जो हमने काटा था लेस में से, उसको हमने यहाँ पर चिपका दिया है।
अब हम इसके बाहर चारों तरफ जो है, अब हमने जो बॉल चेन ली थी उससे हम थोड़ा और फिनिशिंग देंगे, थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर गोल्डन कलर की ये बॉल चेन लगाई है, इसको पूरे फ्लावर पर इस तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका देना है, क्योंकि ये बॉल चेन बहुत ही पतली है। अगर मैं यहाँ पर ग्लू गन लगाकर इसको चिपकाऊंगी तो हाथ जलने का थोड़ा खतरा रहेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से चिपका रहे हैं। बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, थोड़ा टाइम लेता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये रानी कलर की जो ब्लू चेन है उसको इस तरीके से लगा दिया है। पहले हमने यहाँ पर रानी कलर की चेन लगाई है और एक तरफ, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक राउंड हमने यहाँ पर गोल्डन कलर की बॉल चेन का लगा दिया है। अब ये देखिए, जो हमने बीच में तीन फ्लावर्स का बनाया था उसको हम इस तरीके से एक और पैटर्न दे रहे हैं साइड साइड में। जो ये मतलब डॉट वाला जो हमारा साइड है रेक्टेंगल का, हमारे वहाँ पर हमने इस तरीके से ये जो हमारी गोटा पट्टी की लेस है उसको इस तरीके से घुमाकर लगाया है, एक कर्व के जैसा हमने यहाँ पर इसको डिज़ाइन दे दिया है। इस तरीके से हम दोनों साइड में कर लेंगे, और जो कम चौड़ी वाली साइड है वहाँ पर हमने वो फ्लावर बनाया है तीन पत्ती वाला। और अब ये फ्लावर वाली लेस को जो हमारी गोटा पट्टी की है उसको हमने इस तरीके से दोनों साइड में लगा दिया है। ये बीच बीच में भी हम एक एक पत्तियाँ इस तरीके से लगा रहे हैं, आप चाहें तो ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न जो है तैयार होने के, फिनिशिंग इसकी फिनिश होने के कगार पर है। कहीं कहीं पर अब ये मैंने ये जो हमारी लेस हमने लगाई थी मिरर वाली उसको हम लगा रहे हैं कट करके। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लेसेस लगा दी हैं। अब आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये कम फिनिश्ड लग रहा है तो आप इसके, क्योंकि हमने ये लेस में से काटी है तो हो सकता है ये उतनी सफाई से ना कटे, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से आप गोटा पट्टी की लेस को यहाँ पर भी लगा सकते हैं। थोड़ा फिनिश्ड भी लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा। यहाँ पर हम डबल लेयर इसकी कर रहे हैं, और ये देखिए, डबल लेयर करने के बाद इसको घुमाकर हम दूसरी तरफ से इस तरीके से ले जा रहे हैं, तो ये एक और खूबसूरत सा पैटर्न हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम इसी तरीके की लेसेस मिल जाएं, लेकिन जिस तरीके की भी लेसेस आपको मिलें, एक तो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, देखने में खूबसूरत लगनी चाहिए, उनका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर अब जब आप उनसे पैटर्न बनाएंगे तो वो इससे भी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, एक तरफ से हमने ये पूरा पैटर्न बना दिया, और इसके बाहर की तरफ अब हम ये फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं, और यहाँ पर हम बॉल चेन लगा देंगे। इस तरीके से हम पूरा का पूरा ये अपना मैट तैयार कर लेंगे। पहले हमने सिल्वर कलर की बॉल चेन लगाई है, और उसके बाद फिर यहाँ पर रानी कलर की बॉल चेन लगा रहे हैं। आप चाहें तो गोल्डन भी लगा सकते हैं, सिल्वर अगर आपके पास नहीं है तो। इस तरीके से ये बॉल चेन का वर्क हमारा हो गया। ऊपर की तरफ भी हम एक बार ही बॉल चेन लगा देंगे तो थोड़ा सा इस ये फिनिशिंग ले लेगा अपनी। ये देखिए, इस तरीके से बॉल चेन लगाने का तरीका अच्छा यही है कि आप एक बार ही उसको रख के नाप लें और उसको कट कर लें। अब हमारा ये पूरा का पूरा मैट रेडी हो गया, अब हम इसको लेमिनेट करेंगे। लेमिनेट करने के लिए मैंने ये जो कॉपी किताबों पर हम जिल्द लगाते हैं वो वाली पन्नी ली है, और उस पन्नी को इसके नाप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम काट लेंगे। देखिए, इस ये डबल होती है पन्नी, इसके अंदर हमने इसको डाला, और फिर हम लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको कटिंग कर देंगे। पहले अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल लें, नाप लें, उसके बाद कैंची से इसको कट कर लें। चारों तरफ से हमें सेम छोड़ना है ताकि जब हम इसको लैमिनेट करें तो थोड़ी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखिए, हमने इसको कट कर लिया है, और अच्छी तरीके से हर तरफ से खोल के इसको बीच में सेट कर लेंगे। एक सा सा रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा है, मतलब लगभग 1 इंच के करीब आपको चारों तरफ से रखना है। इसको अच्छी तरीके से हम सेट कर लेंगे पहले बीच में बिल्कुल, और उसके बाद इसके ऊपर हम न्यूज़पेपर रखेंगे। न्यूज़पेपर रखने के बाद हम प्रेस को जो है गर्म करेंगे।
ये देखिए, हम मैं जब इसको पन्नी को रख रही हूँ तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इस पर कोई भी सलवटें ना आए। एक बार ही जब आपका ये पूरा सेट हो जाए तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से अखबार रखना है, और अखबार रखने के बाद अब आपको प्रेस को गर्म करके इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा फोर्स के साथ इसको प्रेस करना है। साइड में जहाँ पर हमारा बाहर की तरफ है, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देर रखना है ताकि पन्नी जो है ऊपर वाली नीचे वाली के साथ आराम से चिपक जाए, अच्छी तरीके से चिपक जाए। और आपका ये इस तरीके से देखिए, पन्नी जब चारों तरफ से चिपक जाएगी तो वो खुलेगी नहीं और आपका ये लैमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा है उसको आप काट के निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये खुल नहीं रहा है, एक पहले हमारा खुल रहा था, अब खुल नहीं रहा है। इसको अब हम एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग करके इस तरीके से निकाल देंगे। चारों तरफ से कटिंग करने के बाद जो हमारा थोड़ा सा बचता है, मतलब आधा इंच के करीब अगर हमारा लगेगा, क्योंकि हमें पूरा का पूरा कपड़े तक नहीं काटना है, नहीं तो ये खुलने का थोड़ा सा इसका चांस रहेगा। इसको हमने लगभग आधा आधा इंच के करीब काट लिया है, और ये जो अब हमारा दिखता हुआ पन्नी है इसको हम इस तरीके से पीछे की तरफ पहले हाथ से मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद जब हमारा आगे से बिल्कुल हमें फिनिश दिखे तो पीछे की तरफ हम जो है इसमें फेवी बॉन्ड, एक ट्यूब आती है, उससे हम इस पन्नी को पीछे की तरफ चिपका देंगे। चारों तरफ से पीछे की तरफ आपको बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा, और आगे से ये आपका पूरा का पूरा लैमिनेट हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये वाली फेवी बॉन्ड की ट्यूब से इस ये मैंने चिपका दिया है। चलिए मैं आपको एक तरफ से खोल के थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ा सा फेवी बॉन्ड लगाना है और इस तरीके से इसको चारों तरफ से चिपका देना है। इस तरीके से आपका ये वाटरप्रूफ मैट तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये खूबसूरत सा वाटरप्रूफ मैट आपका रेडी हो गया। फ्रेंड्स, लीजिए, ये हमारा वाटरप्रूफ टेबल मैट तैयार हो गया। इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये आप डाइनिंग टेबल के मैट्स भी बना सकते हैं, या फिर सेंटर टेबल पर बनाकर इस पर कोई शोपीस रख सकते हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल की मैट्स के लिए तो ये ठीक है, अगर आप सेंटर टेबल पर थोड़ा और लंबा चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैट बहुत ही इजीली साफ़ हो जाएंगे क्योंकि इन पर हमने लैमिनेशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में किसी नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।